हेलो फ्रेंड्स, पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक 5 पिन सॉकेट, 2 2 पिन सॉकेट और एक स्विच में कनेक्शन करना बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैं बोर्ड में कनेक्शन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल और 5 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं वायर के एक एंड को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर रहा हूँ। और वायर के दूसरे एंड को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है। इसी तरह हम फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, हम सबसे पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट किए, फिर यहाँ 2 पिन सॉकेट के टर्मिनल, 2 पिन सॉकेट के इस वाले 2 पिन सॉकेट में और यहाँ से हम 5 पिन सॉकेट में वायर को कनेक्ट कर दिए। अब हम दोनों 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। ये वायर के एक एंड को हम 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। वायर के दूसरे एंड को 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया। इसी तरह हम फिर एक वायर लेंगे और 2 पिन सॉकेट से 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, वायर के एक एंड को 2 पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट किए। देखिए, मैं वायर के एक एंड को 2 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट किया और वायर के दूसरे एंड को 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। देखिए, इस तरह करके मैंने 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले दोनों टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए, फिर 2 पिन सॉकेट से 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट करें। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। मेन फेज की वायर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मेन फेज की वायर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया। अब हम मेन फेज की न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। मेन फेज की न्यूट्रल वायर हम 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते। चलिए, हम 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल से मेन फेज की न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। मेन फेज की न्यूट्रल वायर हम 5 पिन सॉकेट के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। देखिए, मैं मेन फेज की वायर कनेक्ट कर लिया है। सारे सॉकेट एक ही स्विच से हमारा ऑन ऑफ होगा। फ्रेंड्स, बोर्ड में कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब मैं इसको सीधा करके पावर देकर चेक करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड में पावर दे दिया है। अब हम सारे सॉकेट को चेक करेंगे। देखिए, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, 5 पिन सॉकेट हमारा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। इसी तरह हम दोनों 2 पिन सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा ये 2 पिन सॉकेट भी सही से वर्क कर रहा है। अब इस वाले 2 पिन सॉकेट को भी चेक करते हैं। देखिए, हमारा ये भी सही से वर्क कर रहा है और सारे सॉकेट एक ही स्विच पे ऑन ऑफ हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।